गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपको बायोलॉजी में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ाने वाले हैं, रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इसमें हम आपको समझाएंगे कि कैसे हमारी बॉडी में नोस्ट्रिल से होते हुए ऑक्सीजन या फिर गैस जो हमारे सेल्स तक पहुँच जाती है, पहले लंग्स में जो आती है, लंग्स से फिर पूरे बॉडी में ब्लड जो है पूरे बॉडी में हर सेल तक पहुँचा देता है, जिसके कारण जो हमारा फूड जो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी में एनर्जी रिलीज होती है इस पूरे केमिकल रिएक्शन में। इस केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, इसकी क्या खासियत होती है, फिर हम समझेंगे। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं ह्यूमंस के अलावा, जैसे ह्यूमंस में लंग्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वैसे ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स में कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, हम ये बड़ी डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे एनारोबिक और ऑरोबिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, और जो एक जो हमारी अल्कोहल है वो कैसे बनती है। फिर हम जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, कौन से जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं अपने पूरे फंक्शनिंग में। इसलिए इस टॉपिक को समझने के लिए बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखें। अभी जो रिएक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इस रिएक्शन को बोलते क्या है, इसको कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स में या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस या फिर एनाबॉलिक रिएक्शंस में। जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन करना, जैसे कि हमारे फूड को जो बेसिक बायो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के वाले प्रोसेस को कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। जो जैसे हम जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का या फिर प्रोसेस का मकसद ही यही है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी में पहुंच पाए और जो है वो फूड पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करके उसको तोड़ पाए, जो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ये पूरा रिएक्शन। वो बात अलग है, पर इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में ब्रेक डाउन होता है, हीट इंक्रीज होती है। और जबकि एनाबॉलिक रिएक्शन में सिंथेसाइज होता है, जब सिंपल कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट करें तो उसको एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो अमीनो एसिड से जब जो प्रोटीन बनता है वो उसको कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन यानी कि सिंथेसाइज। जब सिंथेसिस होता है किसी भी कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, भले वो प्रोटीन हो, फैट हो या फिर हमारी बोन्स मसल्स हो, जो भी ये पूरा प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी जो है कंज्यूम होती है, हीट कंज्यूम होती है और इसको एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं सिंथेसाइज के दौरान। अच्छा, जब इसमें हीट जो है रिलीज हो रही है, इस पूरे रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये वैसे केमिस्ट्री में आता है आपका, पर यहाँ पे समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि तो एग्जाम में ये नहीं बोला जाएगा कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है या बायो का क्वेश्चन है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जो भी रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट रिलीज हो, भले वो हमारे बॉडी के अंदर हो या फिर बॉडी के बाहर सिंपल केमिकल रिएक्शंस हो। जबकि ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो है ये सिर्फ बॉडी की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर के रिएक्शंस की बात कर रहे होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। और ये आते हैं हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में। इसको याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक्सो मतलब बाहर निकलना, एग्जिट करना, थर्मिक मतलब एनर्जी, हीट। हीट को एनर्जी, हीट और एनर्जी इंटरचेंजेबल वर्ड्स होते हैं। जब हम अपनी बॉडी की बात कर रहे होते हैं, जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे होते हैं, तो हीट और एनर्जी एक इंटरचेंजेबल वर्ड्स होते हैं। एक्सो का मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब एनर्जी। जब एनर्जी बाहर हो, बाहर निकले रिएक्शन के दौरान एनर्जी बाहर निकले तो उसको एक्सोथर्मिक, और जब एनर्जी अंदर आए, एंडो अंदर आए, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन सा होता है। जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमंस के अंदर जो लंग्स होता है, ह्यूमंस के अंदर लंग्स होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अच्छा, ये ह्यूमंस होते हैं वो मैमल्स होते हैं,
तो सभी मैमल्स के अंदर ही लंग्स का यूज करते हैं, सभी मैमल्स, ना कि सिर्फ ह्यूमंस बल्कि सभी मैमल्स, मैमल्स भी और रेप्टाइल्स भी। रेप्टाइल्स जैसे कि हमारा क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक हो गया, या फिर लिजर्ट हो गई, कोमोडो ड्रैगन हो गया, ये सब के सब रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं। जो हमारे डायनासोर्स हुआ करते थे वो भी रेप्टाइल्स ही कहलाते थे। और जो मैमल्स, मैमल्स यानी स्तनधारी जीव जो होते हैं, जैसे कि हम हो गए लॉयन हो गया, डियर हो गया, कुत्ता बिल्ली, जितने भी जो जीव होते हैं जो कि स्तनधारी होते हैं, जो कि अपने बच्चों को दूध पिला सकें, गाय भी लो, गाय गोट, ये सब मैमल्स कहलाते हैं। और ये लंग्स के जरिए अपनी रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि वैसे कि जितने भी ज्यादातर मैमल्स होते हैं वो धरती पर ही रहते हैं, इसे लंग्स की जरूरत होती है, उन्हें गिल्स की जरूरत नहीं होती है। पर कुछ ऐसे मैमल्स भी होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि हमारा डॉल्फिन और वेल। डॉल्फिन और वेल दिखने में तो ये फिश लगती होंगी, पर ये एक्चुअल में मैमल्स होती हैं। ये फिश की कैटेगरी में भी आती है, पर ये फिश और मैमल्स के बीच की इन्हें कह सकते हैं। ये स्तनधारी होती हैं और इन्हें ऑक्सीजन लेने के लिए बार बार सरफेस के ऊपर आना पड़ता है, जैसे कि हमने देखा है मूवीज में देखा होगा या किसी डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा होगा कि जो व्हेल होती है वो सरफेस के ऊपर रहती है, उसमें से उसके जो ब्लो होल होता है व्हेल की सतह के ऊपर, व्हेल की सतह के ऊपर एक छेद होता है जिसमें से वो पानी निकलता रहता है, उस सतह के ऊपर चलती है। वो क्या होता है एक्चुअल में, ये उसके नोस्ट्रिल्स होते हैं, जैसे हमारी नाक होती है वैसे व्हेल के ऊपर का छेद होता है, इसको नोस्ट्रिल्स होते हैं व्हेल्स के। इसके जरिए वो ऑक्सीजन जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और ऑक्सीजन लेती है, यानी बेसिकली रेस्पिरेशन करती है। इसको कुछ कुछ समय में, क्या कि घंटों में एक बार सरफेस पे आना होता है, ढेर सारी ऑक्सीजन ले लेती है अपने अंदर और बाकी फिर कई कई घंटों के लिए अंदर चली जाती है। ऐसे ही हमारा डॉल्फिन का भी सेम केस है, वो डॉल्फिन आप देखी होगी बार बार छलांग मारती रहती है, बाकी कोई मछली तो मारती नहीं इतनी छलांग, शार्क तो कभी आपने नहीं सुना कि वो छलांग मारती हो तो चुपचाप चलती है, बस उसका फिन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो उनसे शार्क है, उसके बाद गिल्स होते हैं। जितनी भी फिशेस होती हैं हमारे, इनको वेल और डॉल्फिन को छोड़ के, वो गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन करती हैं। अच्छा, जो क्रोकोडाइल है उसको भी आप कई बार क्रोकोडाइल हो गया या फिर हमारा टर्टल हो गया, ये भी रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं, इस तो ये भी लंग्स के जरिए सांस लेते हैं, पानी में भले ही रहे हैं, पर क्रोकोडाइल और टर्टल दोनों ही रेप्टाइल्स हैं। फिर फिश हो गया, उसके बाद हमारे इंसेक्ट्स की बारी आती है। जो इंसेक्ट्स हैं इनका बहुत ही अलग ही सिस्टम होगा, ये ट्रेंचिया नाम के एक पाइप नली होती है, ये विंड नली होती है, विंड पाइप होती हैं, इनके जरिए सांस लेती हैं। ट्रेंचिया के जरिए इंसेक्ट सांस लेते हैं। क्या होता है ट्रेंचिया बेसिकली, जैसे ट्रेंचिया हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होता है, इसको हमारे बॉडी में कहते हैं विंड पाइप या फिर हवा की नली। इसमें ये बेसिकली ह्यूमंस में तो काम करते हैं नोस्ट्रिल से जो एयर है उसको लंग्स तक ले जाने का काम करता है, सिर्फ इतना सा काम करता है ह्यूमन बॉडी में। पर इंसेक्ट्स होते हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल से ऑर्गेनिज्म होते हैं, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इनके अंदर होती नहीं है कि लंग्स अलग से बना लें, सब कुछ अलग अलग बना लें ऑर्गन, ये बड़े ही सिंपल से जीते हैं। इनमें जो है सीधा ट्रेंचिया के अंदर ही ऑक्सीजन आ जाती है, उसी के अंदर इनका रिएक्शन हो जाता है, उसी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, सारा रिएक्शन जो है उन नलियों में ही हो जाता है, ट्रेंचिया नाम की नलियों में। फिर आता है हमारा फ्रॉग और अर्थवॉर्म। वैसे तो अर्थवॉर्म जो है एक इंसेक्ट ही है, पर अर्थवॉर्म बहुत ही ज्यादा स्पेशल इंसेक्ट होता है। इसको वैसे तो हम फार्मर्स का फ्रेंड भी कहते हैं, वो अलग रीजन से कहते हैं, पर ये बहुत ज्यादा स्पेशल इंसेक्ट होता है। इसमें क्या खासियत होती है, ये ट्रेंचिया से नहीं बल्कि अपनी स्किन से रेस्पायर करता है। अपनी इसकी जो स्किन होती है बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है, उस मॉइस्ट होने के कारण एक लिक्विड से रिलीज करता है जो जो ऑक्सीजन को ट्रैप कर सके और उसी के जरिए ये रेस्पायर करता है। जो फ्रॉक्स होता है वो भी जो स्किन के जरिए ही रेस्पायर करता है। जो फ्रॉक्स है तो और भी ज्यादा स्पेशल केस है। जब फ्रॉग्स अपनी इनिशियल स्टेज में होते हैं, जब वो अंडे से निकलता है, तो स्टार्टिंग में फ्रॉग एक टैडपोल होता है। टैडपोल
टैटपोल, जिसको आपने कभी जगह देखा भी होगा, पक्का देखा होगा कि एक हेड शेप होता है, उसकी एक पूंछ सी होती है, छोटे छोटे से काले काले से लार्वा से दिखाई देते हैं टैटपोल। जब फ्रॉग अपनी अंडे से निकलते हैं तो एक टैटपोल होता है, बाद में जाके उसके पैर आने शुरू होते हैं और फिर जो है वो फ्रॉग की भी शेप में ले लेता है अपने आगे जाके। पर जब वो टैटपोल होता है तो वो पानी में ही अपना जीवन बिताता है, वो पानी के अंदर ही जीता है, वो पानी से बाहर नहीं निकल सकता एक टैटपोल। इसलिए जो टैटपोल्स होते हैं ये गिल्स से सांस लेते हैं, टैटपोल फिश के साथ फिश की तरह गिल्स से सांस लेते हैं, जबकि जो फ्रॉग होते हैं ये स्किन से भी ले सकते हैं सांस और इनके अंदर जो है लंग्स भी होते हैं। फ्रॉग्स में दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि फ्रॉग्स भी एक रेप्टाइल सी है जैसे हम जानते हैं, तो फ्रॉग्स के अंदर जो है हमारे लंग्स तो होते ही होते हैं पर ये स्किन के जरिए भी सांस लेते हैं। जब वो धरती पे उछल रहा होता है तब तो वो लंग्स से सांस लेता है, जब वो मॉइस्ट सॉइल में चले जाता है या फिर पानी के अंदर चले जाता है तो वो अपनी स्किन के साथ ऐसे स्किन से सांस लेता है, और जो टैटपोल होते हैं वो जो है गिल से सांस लेते हैं। फिर इसके बाद बर्ड भी आती हैं, जो बर्ड होती हैं ये भी लंग्स से सांस लेती हैं, पर इनके लंग्स स्पेशल होते हैं, इनको कई बार एएसएक्स भी कहे जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा जगह होती है इनके लंग्स में, बेसिकली ये मतलब होता है इन बर्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा जगह होती है, क्योंकि उन्हें जो बहुत ही उड़ने के लिए जो बॉयंसिटी ज्यादा चाहिए होती है, इनको अपना सरफेस एरिया चाहिए होता है, अपने आप को हल्का बनाना होता है अंदर, अगर वो हवा भर लेंगे तो उन्हें उड़ने में आसानी होगी, इससे ये लंग्स या फिर एयरसैक से सांस लेते हैं। एग्जाम में आपके कुछ भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में कुछ भी आ सकते हैं, लंग्स भी आ सकते हैं एयरसैक भी आ सकते हैं, दोनों में से जो भी ऑप्शन है आप उसको उसमें टिक करके आ जाना है, ऐसे अक्सर लंग्स ही पूछा जाता है। ये हो गया हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी मोड। अब हम समझेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस को भी फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो कैसे किया गया है। मतलब देखो, पहले तो हमने समझा है कि हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शन होते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला कैटाबोलिक रिएक्शंस और एनाबोलिक रिएक्शंस में। फिर कैटाबोलिक रिएक्शंस में से एक होता है हमारा रेस्पिरेशन का रिएक्शन, और रेस्पिरेशन को भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, पहले समझते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इस रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज जो O2 के साथ मिले, जब ग्लूकोज O2 यानी ऑक्सीजन के साथ मिले तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है, और इस पूरे रिएक्शन के दौरान हीट एज ए बाय प्रोडक्ट निकल के आता है। मैं फिर बताता हूँ, जब ग्लूकोज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलता है, रिएक्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकल के आते हैं, उसका रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी वाटर होता है, और उसका बाय प्रोडक्ट होता है वो एनर्जी होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा में कुछ एनर्जी भी रिलीज हो जाती है, उसी एनर्जी से हमारा पूरा बॉडी चलता है, उसी एनर्जी की मदद से मैं आपसे बोल पा रहा हूँ, उसी एनर्जी की मदद से मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, खड़ा हूँ उसी एनर्जी से। पर कई बार ये जब ही हो पाता है इस एरोबिक रेस्पिरेशन, जब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ O2 या फिर ऑक्सीजन हो, जब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ O2 या ऑक्सीजन नहीं होती है तो हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। उस रिएक्शन में भी ऐसे कुछ कुछ सेम सा होता है, पर एक चीज एक्स्ट्रा निकल के आती है, अगर वो ह्यूमंस में हो रहा है या फिर एनिमल्स में हो रहा है, किसी भी एनिमल्स में हो रहा है ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फिर इनएडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये एक लैक्टिक एसिड भी बनता है। जब ग्लूकोज इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो CO2H2O+ लैक्टिक एसिड भी रिलीज करता है, जैसे कि आप कई बार एक्सरसाइज करने जाते होंगे, जॉगिंग के लिए जाते होंगे तो आपको बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है, जब जॉगिंग के बाद आप रुकते होंगे तो सांस फूल लिया, सांस फूलना तो चलो नॉर्मल सी बात है, शरीर जो ऑक्सीजन मांग रहा है, पर
पर आपके शरीर पेन करने लग जाते हैं, वो पेन इस लैक्टिक एसिड के कारण करता है। अगर आप अच्छे से ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप दौड़ते समय एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, गहरी गहरी सांसें नहीं ले रहे हैं, तो आप जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा आपके मसल्स में, पैरों की मसल्स में, या फिर जिस भी मसल का आप यूज़ कर रहे हैं उस मसल में लैक्टिक एसिड हो जाएगा, पेन और क्रैमिंग स्टार्ट हो जाती है। ये होता है एनिमल्स की मसल्स के अंदर जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और जब वेजिटेबल्स में या फिर प्लांट्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो अल्कोहल बनती है। अल्कोहल बनती है जैसे कि जो यीस्टिंग का प्रोसेस होता है, हमने पढ़ा होगा फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी इसी के जरिए किया जाता है, कि जो सब्जियां होती हैं उनको ऑक्सीजन की कमी में सड़ाया जाता है, उनको ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन की में वो सड़ा के यीस्ट मदद करता है इस प्रोसेस में, यीस्ट जो होता है हमारा फंगी होता है उसके उसको फर्मेंटेशन में मदद करता है, उसको सड़ाने में, और सड़ा के एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है जिसके कारण अल्कोहल बन जाती है हमारी। जो अल्कोहल हम पीते हैं वाइन हो गई या फिर ग्रेप्स की जो वाइन होती है वो भी ऐसे ही बनती है इसी रिएक्शन के जरिए। अच्छा, अब हम ऐसे कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन होती है, एक मिथ होता है लोगों के दिमाग में कि हम जितनी भी एयर ले रहे हैं अपने बॉडी के अंदर उसमें से पूरी की पूरी ऑक्सीजन ले लेते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं पूरा का पूरा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जैसे कि अगर ये हमारे लंग्स हैं और यहाँ पे हमें एयर है, तो एयर में तो फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, जो कि 70% तो है नाइट्रोजन होती है, 21% O2 होती है और 0.004% जो है हमारी CO2 होती है। इसी एयर को हम जो है अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, ये तीनों ही आएंगे इतनी रेशियो में, कहीं भी आप सांस ले लो, भले यहाँ पे ले लो, मलेशिया में ले लो, सिंगापुर में ले लो, अमेरिका में ले लो, यही आपको हवा मिलेगी हर जगह। जो ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है हमारा, जो एटमॉस्फेयर है उसमें हर जगह 78% नाइट्रोजन, 21% O2 और 0.004% CO2 होती है। बाकी भी गैसेज होते हैं वो भी पॉइंट में होती है, इसलिए उनकी बात नहीं करते हम। फिर जब लंग्स के अंदर जाती है, जो सेल्स या फिर हमारे जो ब्लड होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं वो सिर्फ 4% ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, और रिलीज क्या करते हैं वही अपना पुराना जो लिया था इन्होंने 78% नाइट्रोजन और ये 17% हमारा O2 रिलीज कर देंगे, बाकी बचे जो 4% का हेयरफेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चले जाएगा, 4% CO2। इस कैलकुलेशन में 1% की गड़बड़ है, वो बाकी गैसेस है उनको एज इट इज़ लेते हैं, एज इट इज़ निकाल लेते हैं, उनका कोई भी महत्व नहीं है। मेन बात है कि जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स जो एब्जॉर्ब कर पाते हैं वो सिर्फ 4% होती है एटमोसफियर का, पहले एटमोसफियर में 21% मिल रही है उसका भी सिर्फ 4% ही हम अपनी बॉडी में हमारे जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब कर पाता है। और ये एब्जॉर्ब कैसे करता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक केमिकल होता है, एक हार्मोन होता है, एक प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन याद रखने की बात है, एक प्रोटीन है। एग्जाम में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन, उसमें हीमोग्लोबिन दे दिया जाता है, तो याद रखिए हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जी रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है और जिसके अंदर जो है आयरन होता है, आयरन के साथ मिलके ये काम करता है, इसलिए उसके रेड ब्लड सेल्स का रंग भी लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन या फिर आयरन दोनों की मदद से होता है। जैसे हम जानते हैं आयरन का असली रंग जो है रेड होता है, इसलिए रेड ब्लड सेल्स में आयरन और हीमोग्लोबिन दोनों की मदद के कारण ही लाल होता है, और रेड ब्लड सेल्स ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए हम जानते हैं ऑक्सीजन जो खून है हमारा बॉडी के हर जगह, हर ऑर्गन में जहाँ जहाँ हम देखते हैं हर जगह जो है खून की नलियाँ बह रही हैं, खून हर जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो O2 ट्रांसपोर्ट कर रहा है और जगह जगह से CO2 ले रहा है, क्योंकि जो असली रिएक्शन है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है, सेल के अंदर ही हो रहा है, ये तो बस ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं हमारे ऑर्गन्स। तो
ठीक है, तो फिर ये 4% है। अच्छा आप कहेंगे कि जो पेशेंट को किसी को जो पूरी की पूरी ऑक्सीजन नहीं दे दो, प्योर ऑक्सीजन दे दो, ज्यादा काम करने लगेगा उसका शरीर, ज्यादा दौड़ने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी को प्योर ऑक्सीजन दे दोगे तो उसके लंग्स पे लगने लगेगी, उसका लंग्स इतनी ऑक्सीजन का आदि नहीं है, वो जो है घायल हो जाएगा उसका लंग, उसके लंग्स में जो है इंजरीज होनी स्टार्ट हो जाएगी अगर पूरा 100% ऑक्सीजन किसी को दे दी जाए। इससे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें नाइट्रोजन प्लस O2 मिली होती है। जो हॉस्पिटल्स होते हैं जो वेंटिलेटर पे आपको ऑक्सीजन चढ़ाई जाएगी उसमें नाइट्रोजन भी होगी, उसमें नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का एक मिक्सचर होगा। ऑफकोर्स उसमें 17% नहीं, 21% नहीं होगी, ज्यादा होगी, 21 से ज्यादा होगी, पर नाइट्रोजन फिर भी ऑक्सीजन से ज्यादा मिलानी पड़ती है उन सिलेंडर में ताकि ह्यूमन बॉडी उसके एडजस्टेबल हो जाए। और जब हम अंडरग्राउंड अंडर वाटर जाते हैं तो वाटर के अंदर जो सिलेंडर लेके जाते हैं वो अलग होते हैं वेंटिलेटर वाले सिलेंडर से, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन नहीं, उसमें हीलियम होती है, उसमें हीलियम प्लस ऑक्सीजन का एक मिक्सचर होता है। जब हम अंडर वाटर जाएंगे तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन, और जब हम कोरोना से बीमार होके हॉस्पिटल जाएंगे तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब हम अपने ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे कि हमने ये तो समझ लिया ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है, पर लंग्स तक एयर कौन पहुंचाएगा? लंग्स के बाद जो जो ऑक्सीजन लेते थे जो हमारा ब्लड है वो कहाँ कैसे पहुंचेगा, वो ब्लड तक कैसे पहुंचेगी ऑक्सीजन से, और फिर सेल उसको कैसे ऑब्जॉर्व करेंगे, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो ये बेसिकली 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स आते हैं, फेरिंक्स आते हैं, फेरिंक्स के बाद हमारे ब्रोंकी आते हैं, और फिर हमारे ब्रोंकियोल्स आते हैं, फिर ब्रोंकियोल्स तक पहुंच गया, फिर उसके बाद एल्वियोली में जाता है ऑक्सीजन, फिर 7 नंबर पे ब्लड, और ब्लड से पूरे बॉडी के सभी एक एक सेल्स में पहुंच जाती है हमारी ऑक्सीजन। ये बेसिकली 8 स्टेप्स हो गए हमारे एयर के पास होने के, जिसके जरिए रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, जिस स्टार्ट होता है हमारे नोज से यानी नोस्ट्रिल से, और खत्म होता है हमारे बॉडी के एक एक सेल से। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि ये पूरा केमिकल रिएक्शन करता है, जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है, बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं जहाँ तक हमारे लंग्स भी ये बस ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, इनका काम जो रिएक्शन है वो हो सेल के अंदर ही रहा है, तो इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जो रिएक्शन सेल के अंदर होता है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया करता है उसको। अच्छा नोस्ट्रिल से होते हैं, नाक होती है जिसके अंदर कोई भी बोन नहीं होती है, इसके इसका काम बस ये होता है कि हवा आसपास की जो हवा है, ऑक्सीजन नहीं एयर है, जो मिक्सचर है एयर अलग अलग गैसेस का जो मिक्सचर है एयर, उसको अपने अंदर खींचना हमारे नाक का काम होता है, उसको खींचना, और नाक के अंदर काफी नोस्ट्रिल्स के अंदर काफी छोटे छोटे बारीक बारीक बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, इनका क्या काम होता है कि एयर के साथ अगर कोई पार्टिकल्स आ रहे हैं अनवांटेड पार्टिकल्स जैसे कि धूल के कण आ रहे हैं तो उनको फिल्टर करना, उनको मोटे मोटे कणों को फिल्टर करने का काम होता है हमारे नोस्ट्रिल्स का, नोस्ट्रिल्स के अंदर मौजूद हेयर्स का। फिर नोस्ट्रिल्स के बाद जो हमारा फेरिंक्स के अंदर जाता है, फेरिंक्स बेसिकली एक ट्यूब है जो कि हमारे वो ईसोफेगस थी ना, जैसे कि इस फेरिंक्स के अंदर ही पहले खाना भी जाता है और वो भी जाता है हमारा एयर भी जाती है, आगे जाके यहाँ पे एक डैम बना दिया जाता है जो कि डिसाइड करता है कि जो अंदर आया है मुंह से वो हवा ही है या फिर फूड आया है, अगर वो फूड है तो फिर उसको आगे ईसोफेगस में भेज दिया जाएगा, और अगर वो हवा है तो उसको विंड पाइप में ट्रेंचर उसको विंड पाइप में लैरिंक्स के पास भेज दिया जाएगा, लैरिंक्स से होते हुए आगे भेज दिया जाएगा। पर इसके बीच में ये डिसाइड कैसे होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? इसके लिए एपिग्लोटिस नाम का एक थिन डैम कह लो, थिन जो है मसल कह लो, कुछ भी कह लो, वो एक ऑर्गन होता है जो कि डिसाइड करता है, ऑर्गन नहीं कह सकते उसको, एक थिन डैम कह सकते हो, एक परत कह सकते हो, जो कि डिसाइड करता है कि फूड है या फिर एयर है, जो इसको कौन से पाइप में आगे भेजना है,
वो यहाँ पे लोकेटेड होता है। अगर जैसे कि हम खाना खा रहे हैं तो हमारा दिमाग उसको ऑर्डर देता है, ये खाना आ रहा है, अब हम खाना खा रहे हैं, इसलिए ये जो तो विंड पाइप है इस विंड पाइप को बंद कर दो। और जब हम जो खाना नहीं खा रहे होते हैं, दौड़ लगा रहे होते हैं या फिर नॉर्मली अपना बातें कर रहे होते हैं, तो वो बता देते हैं कि अब ऑक्सीजन आई है, अब खाना नहीं आया, अब खाना नहीं खा रहे हम, ऑक्सीजन आई है, इसलिए अब विंड पाइप को बंद कर दो। और फूड अब जो है अगर ऑक्सीजन आ रही है इसलिए अब फूड पाइप को बंद करो और ऑक्सीजन पाइप में यानी विंड पाइप में भेज दो ऑक्सीजन को। ये काम होता है हमारा एपिग्लोटिस का। इसके बाद जो है फिर हमारा लैरिंजेक्स आता है। लैरिंजेक्स एक जो है एडम एप्पल होता है, जैसे कि ये हमारा लैरिंजेक्स है, एडम एप्पल भी कहते हैं इसको, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसके अंदर से हवा पास ऑन होकर जाती है ताकि हमारी वॉइस निकल सके। जो हमारी वॉइस है वो इसी एडम एप्पल से होती है। ये मेल्स में ज़्यादा बड़ा होता है, फीमेल्स में बहुत ही छोटा सा होता है, या फिर कई जगह ये प्लेन ही एरिया दिखाई देने को दिखता है फीमेल्स में। ये जितना बड़ा होता है उतनी ही हमारी वॉइस जो है बहुत ही भारी होती है, इसी से डिफाइन होता है हमारी वॉइस की की पिच। ये हमारी वॉइस की पिच और क्वालिटी डिसाइड करता है, एम्पलीट्यूड नहीं डिसाइड करता, ये पिच और क्वालिटी डिसाइड करता है हमारी वॉइस की लैरिंजेक्स। फिर आते हैं ब्रोंकियो। जो ब्रोंकियो होता है, जो बेसिकली क्या होते हैं ब्रोंकी, ये एक विंड पाइप होते हैं जिसके चारों तो हड्डियां होती हैं। आपको वैसे फोटो दिख गई होगी, जो विंड पाइप के चारों तरफ जो हड्डियां होती हैं इसको कहते हैं ब्रोंकीज। ये ब्रोंकी का क्या काम होता है बेसिकली, कि ये ब्रोंकी का ये काम होता है कि अगर जैसे हवा जा रही है, अगर जब पहले तो हवा आ रही है तो विंड पाइप तो खुली ही रहेगी, पर अगर जैसे हवा निकल जाए खींच ली जाए तो हम सांस लेते हैं तो पूरी हवा निकल गई है ना, तो ये विंड पाइप है तो पचक जाएगा। जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन का, तो वो होता है प्रोसेस कि जब हवा निकलती है तो वो पिचक जाता है, पाइप जो है हमारा पिचक जाता है। पर उसको पिचकाने से रोकने के लिए इसके चारों तरफ ये बॉन्ड्स होती हैं जो कि इसको बनाए रखती है, इसकी शेप को, इसको एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है हमारी विंड पाइप को। फिर इसके बाद जिसे दो हिस्सों में भाग जाता है, और दो के बाद ये और भी ज्यादा कई सारी छोटी 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 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर छोटी छोटी भाग्स में डिवाइड हो जाता है, और इन छोटी छोटी भाग्स को कहते हैं ब्रोंकियोलीज। ये छोटी छोटी ब्रांचेस जो निकल गई हैं इन ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोंकियोलीज। और इन ब्रोंकियोलीज का क्या काम होता है बेसिकली, जो पूरे जो सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करना होता है ब्रोंकियोलीज का काम, कि अगर सिर्फ जो हमारे ब्रोंकाई में होता तो सिर्फ इधर से ऑक्सीजन आई, खून को ज़्यादा एरिया नहीं मिला, जो ब्लड है उसको ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं मिला, ज़्यादा जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं मिला। और इसको जो टर्मिनेट होती है ये हमारे ब्रोंकियोलीज, वो एवियोलीज पे होती है। सभी ब्रोंकियोलीज जितनी भी हैं हमारी वो एवियोली पे जाके टर्मिनेट होती है। एवियोली एक जो है गोल स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स जारी होती हैं। यहीं इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है। जो गैसेस एक्सचेंज होता है तो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन टेक लेता है, ऑक्सीजन खींच लेता है हमारे एयर में से, जो एयर हमने अंदर ली थी वो जो एवियोलिस के अंदर होता है। जो ब्रोंकियोलिस का काम होता है, उसका काम होता है कई सारी एवियोलिस को अब कैरी करना। जो एवियोलिस उनको कैरी करने के लिए काफ़ी सारे एंड पॉइंट्स चाहिए, काफ़ी सारे एंड पॉइंट्स चाहिए, वो सारे एंड पॉइंट्स प्रोवाइड करता है हमारा ब्रोंकियोलिस। और जो पूरा जो ब्लड होते हैं वो ब्लड की वेसल्स जो होती हैं वो एवियोलिस में घूमती हैं, वहां से वो पिकअप करता है हमारा हीमोग्लोबिन और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। अच्छा ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट हो गया ब्लड के जरिए। और ब्लड अच्छा जो जो हमारे हीमोग्लोबिन है वो सिर्फ ऑक्सीजन लेता है, पर हमारे पूरे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के अंदर जो बफर एरिया होता है, खाली जगह होती है, उसके जरिए जाती है। जो हीमोग्लोबिन है सिर्फ 10% ही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है, बाकी सारी कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है हमारे बफर एरिया इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो खाली जगह होती है उसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। पर जो
O2 का यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पूरा का पूरा 100% हीमोग्लोबिन के जरिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 8 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पर इसके अलावा एक और चीज ऑर्गन होता है जो कि एक कह लो एक मसल होती है जो काफी मदद करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो इस पूरे लंग्स के नीचे होती है। इसको डायफ्रेगम भी कहते हैं, इसको डायफ्रेगम कहते हैं, डायफ्रेगम होती है ये मसल जो इसको बेस प्रोवाइड करते हैं हमारे लंग्स को, हमारे जो दो दो लंग्स होते हैं उसको बेस प्रोवाइड करती है, और हमारे लंग्स को जो सेपरेट करती है हमारे एब्डोमिनल एरिया से उसको सेपरेट करती है, उसको सेग्रीगेट करके रखती है। और ये रेस्पिरेशन सिस्टम में भी मदद करती है। कैसे मदद करती है ये, कि जो पुश और पुल का सिस्टम होता है कि जितनी भी जो हवा आनी है हवा जानी है इसको ऑटोमेटिकली जो करना है वो इसी डायफ्रेगम के मदद से होता है। यही वो फोर्स प्रोवाइड करती है जिससे जो है हमारा पुश एंड पुल ऑफ एयर पैदा होता है। जैसे कि जब एयर अंदर आ रही होती है तो ये बहुत ही ज्यादा वो हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, क्या कहते हैं ये समझो ना, कि एयर अंदर आ रही है तो फिर हमारी चेस्ट जो है बाहर निकलेगी, जो हमारे लंग से फूल के बड़े हो जाएंगे, तो इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसको खींचना पड़ता है, अपने आप को स्ट्रेस में लाना पड़ता है डायफ्रेगम को जब ऑक्सीजन अंदर आती है, और जब एयर बाहर निकल के जाती है तो ये रिलैक्स हो जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डायफ्रेगम है कब रिलैक्स होता है कब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मैं आपको ऐसे समझा दूं, जब हवा अंदर आएगी तो लंग्स बड़े हो जाएंगे, इसको जो है जगह कम पड़ जाएगी, इसको खींचना पड़ेगा, इसको जो है इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, इसको स्ट्रिक्टनेस आनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, और जब हवा बाहर निकल के भाग जाएगी तो ये रिलैक्स हो सकता है। हाँ मुझे जगह मिल गई, अब मुझे जगह की कोई कमी नहीं है, मैं रिलैक्स हो सकता हूँ डायफ्रेगम कहेगा, पर जब हवा अंदर आएगी तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, काम कर मुझे टाइट होना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो एक तो ये डायफ्रेगम मदद करता है, ऊपर से हमारी चेस्ट भी मदद करती है, जो हमारी पसलियाँ होती हैं वो भी मदद करती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उनका क्या है, जब हवा अंदर आएगी तो वो एक्सपेंड कर जाएंगे, और जब हवा बाहर चली जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, मतलब डायफ्रेगम से उल्टा होता है। जब हवा अंदर आती है तो हमारी चेस्ट या फिर पसलियाँ जब हवा अंदर आती हैं तो वो एक्सपेंड करती हैं और डायफ्रेगम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, पर जब हवा बाहर जाती है तो हमारी पसलियाँ या फिर रिब्स वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और डायफ्रेगम रिलैक्स कर जाता है। ठीक है ना, अब आप इसको कंफ्यूज मत होना ना कभी भी आगे जाके, इतना ही है हम। और एक ये भी एक दो बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मेल्स होते हैं उनमें जो डायफ्रेगम होता है ये आर्च फॉर्म करता है, मेल्स में आर्च फॉर्म करता है और फीमेल्स में ये स्ट्रेट लाइन्स होता है, फीमेल्स में स्ट्रेट लाइन होता है, बस आप याद कर लीजिए, मेल्स में आर्च होती है और फीमेल्स में स्ट्रेट लाइन होता है। इसी के साथ हमारा पुअर रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमने एक एक टॉपिक को बड़ी बारीकी से कवर कर लिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक से कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।